नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, भारत चीन झड़प पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में जोरदार प्रदर्शन। सोनिया गांधी ने बोला हमला, कहा जवाब क्यों नहीं दे रही सरकार। ये आपको बता दें कि चीन LAC पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है। हाल ही में तवांग में हुई झड़प उस बात का सबसे बड़ा सबूत है, जहां पर सैकड़ों चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। इस घटना के बाद केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस लगातार पीएम मोदी और सरकार को ऐसे लेकर घेरने का काम कर रही है। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस मुद्दे का जिक्र करा, मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने चीनी अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार अड़िग है और इस पर चर्चा नहीं कर रही है। जनता और सदन वास्तविक स्थिति जानने में असमर्थ है। सरकार चीनी अतिक्रमण का वित्तीय जवाब क्यों नहीं दे रही है। आपको कि दरअसल कांग्रेस और पूरा विपक्ष चीन के मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि सीमा पर जिस तरीके से चीन अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है, वो काफी चिंता का विषय है। इसे लेकर सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। इसे लेकर अब प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने तवांग में भारत चीन फेस ऑफ पर चर्चा की मांग करते हुए संसद परिसर के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर राहुल गांधी को स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा पत्र, कहा या तो कोविड प्रोटोकॉल को मानिए या फिर भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दीजिए। यह आपको बता दें कि चीन में कोरोना कहर को देखते हुए भारत में भी सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। कोरोना को लेकर बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पत्र लिखकर राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रोटोकॉल फॉलो करने और भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत को खत लिखकर कहा कि राजस्थान में चल रहे भारत जोड़ो यात्रा में COVID-19 के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होना चाहिए। पत्र के मुताबिक अगर COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान में चल ही भारत जोड़ो यात्रा में COVID-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होना चाहिए। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए। इतना ही नहीं, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल कोरोना से वैक्सीनेट लोग ही इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। साथ ही इस यात्रा में शामिल लोगों को यात्रा से जुड़ने से पहले और बाद में आइसोलेट किया जाए। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री के पत्र पर कांग्रेस पार्टी ने बोला जबरदस्त हमला, कहा भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई है मोदी सरकार। यह आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा कोविड प्रोटोकॉल को लेकर राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे पत्र पर कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पत्र को लेकर भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है, आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के सवाल उठा रही है। अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि क्या गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सारे कोविड प्रोटोकॉल नियम का पालन किया था? क्या प्रधानमंत्री मोदी मास्क लगाकर सारे कोविड प्रोटोकॉल नियम का पालन करते हुए घर घर गए थे? उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मनसुख मांडविया को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पसंद नहीं आ रही है, लेकिन लोग इसे पसंद कर रहे हैं, इसमें लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मनसुख मांडविया को जनता का ध्यान हटाने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मोदी सरकार बौखला गई है और आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के सवाल उठा रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को गले लगाकर ली विदाई। अब भारत जोड़ो यात्रा की हरियाणा में हुई एंट्री। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान के अलवर से हरियाणा में प्रवेश कर लिया है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र से गले मिलकर विदाई ली। राहुल गांधी ने यात्रा के शानदार स्वागत के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का आभार जताया। राहुल गांधी नूह में यात्रियों के संग पैदल रवाना हुए। राहुल गांधी ने राजस्थान में यात्रा का पड़ाव पूरा होने पर हरियाणा को फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को गले लगाया। भारत जोड़ो यात्रा ने आज नूह के मुंडका बॉर्डर में प्रवेश किया है। हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे पहले बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि इस यात्रा की क्या जरूरत है। मैंने
ने कहा कि आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हमारी ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, कोई नई नहीं है। आजकल के नेताओं को आदत बन गई है, नेताओं और जनता के बीच में खाई बन गई है। इस यात्रा ने इसे बदलने की कोशिश की है। राजस्थान की सरकार ने यह निर्णय किया है कि एक महीने में एक दिन सभी मंत्री 15 किलोमीटर पैदल चलेंगे। मैं ये चाहता हूं कि ये प्रत्येक जगह पर होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में दाखिल हुई भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले कल्चर बदलने की कर रहे कोशिश। ये आपको बता दें कि राजस्थान के बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में शुरू हो गई है। बुधवार सुबह तड़के मुंडका बॉर्डर से हरियाणा में यात्रा ने प्रवेश कर लिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने दोहा गांव में विशाल जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि आप कड़ाके की ठंड में हमारी बात सुनने आए हैं, इसीलिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि एक नेता मुझे तपस्वी बता रहे थे, मैं देश का तपस्वी नहीं हूं, मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पर पूरी जिंदगी चलते हैं। ये कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया है, हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं, इसमें बड़ा काम इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो शायद गाड़ी, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। राहुल गांधी ने कहा कि हम कन्याकुमारी से श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराकर छोड़ेंगे, कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, मैंने जवाब दिया कि आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सबका रोल है, इसीलिए यात्रा शुरू की है। यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला है और लंबे भाषण नहीं देते हैं। सुबह 6 बजे यात्रा शुरू होती है, आमतौर से प्रतिदिन 6-7 घंटे चलते हैं। मैं कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी सबकी बात कर रहा हूं, नेता और जनता के बीच में खाई बन गई है। नेता से जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है, जो लंबे भाषण देते हैं। इस यात्रा ने उस कल्चर को बदलने की कोशिश की है। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गिरा सकती है बीजेपी की सरकार, 11 साल में पहली बार शिवराज का अविश्वास प्रस्ताव से हुआ सामना। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आज का दिन काफी अहम है। विधानसभा में कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। 2011 के बाद पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने जा रहे हैं। कांग्रेस के 51 पॉइंट वाले अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने सत्र के पहले दिन ही स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा कि हमने 300 से ज्यादा पॉइंट्स जुटाए थे और इस टूटने के बाद 51 मुद्दों को चर्चा के लिए फाइनल किया है। आवास, शिक्षा जैसे केंद्रीय योजनाओं में भ्रष्टाचार, नर्सिंग कॉलेज घोटाला और कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के मुद्दों को उठाया जाएगा। हम कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के मुद्दों को भी उठाएंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक विपक्ष ने शराब की अवैध बिक्री, महाकाल लोक के विकास में भ्रष्टाचार, विपक्षी विधायकों से भेदभाव, आदिवासियों पर अत्याचार और सरकार पर कर्ज जैसे बड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने 2011 के बाद पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। 2011 के बाद पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार गिरा सकती है। अगली बड़ी खबर, स्मृति ईरानी पर कांग्रेस नेता की टिप्पणी के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा यदि राहुल गांधी मर्द हैं तो अमेठी से चुनाव लड़ने की खुले तौर पर करें घोषणा। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कांग्रेस नेता अजय राय की ओर से की गई लटके झटके वाली टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब भाजपा के IT सेल प्रभारी अमित मालवीय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी मर्द हैं तो उन्हें 2024 में अमेठी के लिए अपने दावेदारी की घोषणा खुले तौर पर करनी चाहिए, बजाय इसके अजय राय जैसे कृपा पात्र लोगों के पीछे छिप जाएं। इतना ही नहीं, भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस दौरान राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी है। दरअसल बीते सोमवार को कांग्रेस नेता अजय राय ने केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अमेठी सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, स्मृति ईरानी यहां केवल लटके झटके करती हैं और चली जाती हैं। अमेठी की जनता लटके झटके दिखाकर जाने वाली सांसद को हराने का मन बना चुकी है, यहां कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी। कांग्रेस नेता अजय राय के बयान के बाद अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को घेरा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुना है राहुल गांधी ने आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से चुनाव लड़ना मैं पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? आपको बता दें कि अजय राय की टिप्पणी के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेजा है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की ओर से यूपी
एमपी में कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। हालांकि कांग्रेस नेता अजय राय ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, ये सामान्य क्षेत्रीय भाषा है। आपको बता दें कि अब अमित मालवीय ने राहुल गांधी को साफ चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी मर्द हैं तो उन्हें 2024 में अमेठी के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा खुले तौर पर करनी चाहिए। और बड़ी खबर, आरजेडी के एमएलसी ने ही खोल दी तेजस्वी यादव की पूरी पोल, कहा तेजस्वी यादव ही पीते हैं शराब। ये आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर उठ रहे सवालों के बीच आरजेडी एमएलसी के एक स्टिंग ऑपरेशन से राजनीतिक भूचाल आ गया है। आरजेडी एमएलसी रामबलि सिंह ने अपने ही नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के आधे से ज्यादा मंत्री विधायक शराब पीते हैं और उनमें तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। बिहार बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो शेयर करा, महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। एबीपी के स्टिंग ऑपरेशन में आरजेडी एमएलसी रामबलि सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी शराब पीते हैं। वे खुद शराबबंदी खत्म करवाना चाहते हैं और दारू चालू करवाना चाहते हैं, मगर उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। रामबलि सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनना नहीं चाहते हैं, शराबबंदी पर उनकी अपनी ही जिद है। सब लोगों को लगता है कि शराब नीति फेल है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इससे गरीबों का नुकसान हो रहा है, लोग जेलों में बंद हैं। बिहार के आधे से ज्यादा मंत्री विधायक और आधे से ज्यादा अफसर शराबबंदी में भी दारू पीते हैं। रात में जाकर इंक्वायरी कर लो कितने लोगों के यहाँ पर दारू चल रही है। देश बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर कर लिखा गया है कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने ही स्टिंग ऑपरेशन में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं की पूरी पोल खोल दी है। अगली बड़ी खबर, बिहार में शराब कांड का होगा बड़ा खुलासा। जहरीली शराब से मौतों की जांच के लिए छपरा के मसरक पहुंची एनएचआरसी की टीम। ये आपको बता दें कि जहरीली शराब कांड को लेकर छपरा के मसरक नगर पंचायत बहरौली और शास्त्री टोला में मानवाधिकार की टीम पहुंची है। एनएचआरसी के सदस्य मृतकों के परिजन से बात करके जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले बीती रात टीम के सदस्यों ने सदर अस्पताल का भी जायजा लेकर मरीजों और अफसरों से जानकारी ली। दूसरी ओर एसआईटी की टीम भी लगातार छापेमारी कर रही है। और बड़ी खबर, पहली बार घिरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, 83 करोड़ रुपए की जमीन 2 करोड़ रुपए में देने का आरोप, इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन दिनों उद्धव ठाकरे सरकार में शहरी विकास मंत्री के तौर पर लिए गए अपने एक फैसले पर घिर गए हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन को 16 लोगों को लीज पर दिए जाने के फैसले पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उसे विपक्ष विरोध कर रहा है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा और विपक्ष दला दिन भर हंगामा करता रहा। आपको बता दें कि अब विपक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे पर अड़ा है। और बड़ी खबर, विपक्षी एकता से डरी बीजेपी, अब 160 का बनाया प्लान, 2024 के लिए अभी से की बड़ी तैयारी। यह आपको बता दें कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी एकता को देखते हुए भाजपा 2024 के आम चुनाव को लेकर सजग हो गई है। यही वजह है कि उसने पहले 144 सीटों को आम चुनाव में कठिन माना था, लेकिन अब इस टारगेट को उसने बढ़ाकर 160 कर दिया है। इससे साफ है कि महाराष्ट्र और बिहार में वो 16 ऐसी और सीटों को अपने लिए कठिन मान रही है जिन पर अब तक उसे आसान जीत की उम्मीद थी। यही वजह है कि आज इसे भाजपा 2 दिनों के ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है। इसमें पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा जिन्हें 100 लोकसभा सीटों पर तैनात किया जाएगा। आपका क्या मानना है, क्या बीजेपी 2024 में केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी या फिर भारत जोड़ो यात्रा पूरा माहौल बदल देगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और अपने मोबाइल पर मैसेज पाने के लिए घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।